ऐसा कहूँ तो मन की तैयारी तो सब कर रहे थे, मगर तैयारी मन की हो नहीं रही थी। अरुण जेटली एक ऐसा व्यक्तिमत्व, हम तो उनकी मजाक भी करते थे कि पार्टी के ब्लू आइड बॉय, ऐसा मैं बोलती थी कि अरुण जी उम्दा व्यक्तिमत्व, विद्यार्थी परिषद से काम करते थे और हमेशा बहुत स्मार्ट भी, उतने ही बुद्धिमान। तो मैं तो कई बार उनसे मजाक करती थी कि अरुण जी बहुत सारी महिलाएं आप पर मरती होगी ना, संगीता को बोलना पड़ेगा कि ज़रा ध्यान दे आपकी तरफ। यानी ऐसा व्यक्तिमत्व एक था, बहुत जॉली गुड भी थे और सबसे दोस्ती ऐसा व्यक्ति, और एक प्रकार से आधार थे, पार्टी का भी आधार थे, सरकार का आधार स्तंभ होना, यानी वित्त मंत्री होते हुए भी कानून के उतने ही ज्ञाता थे, तो कोई भी ऐसी कानूनी बात आई तो सबसे पहले उनकी सलाह पूछी जाती थी। बहुत सारे सालों का अनुभव भी था उनका, तो उनका सब पूरा पूरा उपयोग आज पार्टी को मिलता था। बीमार तो जब हो गए थे, मैं अभी अभी महीना दो महीने पहले जब उनसे मिल के आई थी, तब मैं खुद ही नर्वस हो गई थी कि मालूम नहीं अब अरुण जी मुझे दोबारा दिखेंगे नहीं, ऐसा मेरे मन में तो लग ही रहा था। मगर उसके बाद भी महीना दो महीने उन्होंने जो निकाले, तो मन में आशा हो गई थी कि नहीं शायद ठीक हो जाएंगे। ये भी मालूम था कि ये आशा भी गलत है, मगर अभी कई दिनों से एम्स में भर्ती हो गए थे और दिन ब दिन खबर तो ये आ रही थी कि उनकी प्रकृति ज़्यादा सीरियस ही होती जा रही थी। अभी के अभी हमारे दो ऐसे लोग चले गए हैं, यानी अटल जी के जाने के बाद सुषमा जी और अरुण जी, ये दो एक खंबीर आधार स्तंभ पार्टी के थे, मुखर लोग थे दोनों, बोलने में होशियार, और अरुण जी का तो ऐसा है कि बुद्धिमानी के साथ बोलते थे सामने वाले को, कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाते नहीं थे, मगर जो उत्तर देते थे वो बिल्कुल टू द पॉइंट, ऐसा उनका होता था। और ऐसा ये व्यक्ति जो हमारा भी अपना था लगता था, सलाह भी देते थे, बातचीत करते समय कभी अरुण जी हमें ऐसे नहीं लगे कि ये कोई बहुत बड़े विद्वान, ऐसा लगता था अपना भाई है। बहुत है। मैंने जैसे कहा ना कि कभी ऐसी मजाक भी होती थी, हम उनसे करते थे, उन्हें बोलती थी संगीता को जी, उनकी पत्नी को भी बोलती थी देखो संगीता जी, फिर वो हंसते थे कि ताई आप तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसे मुझे बोलते थे अरुण जी। उनकी शाल जो थी आप देखोगे हर समय अच्छी शाल, तो कई बार हम बोलते थे कि हम आपकी शाल चुरा के ले जाएंगे, और संगीता जी ये सब उनका ख्याल रखती थी। तो शौकीन तो थे ही, हंसते भी थे, मैं बोलती थी कि देखो तुम्हारी शॉल चुराने की इच्छा होती है, बहुत अलग अलग प्रकार के शॉल पहनते हो और हमें मालूम है ये संगीता जी आपके लिए लाती है ना, तो हंसते थे हमेशा। मगर कभी कई बातों पर सलाह भी बहुत व्यवस्थित सलाह देते थे, जी भर के बात करते थे, कुछ भी विषय पर ऐसी खुली बात करते थे, ये उनका यथा मैंने अनुभव किया है कई बार। और ऐसा ये व्यक्तिमत्व बहुत बिरले होते हैं कि एक तो बुद्धिमान व्यक्ति, मैंने जैसे कहा दिखने में स्मार्ट, काम में सिंसियर, कि विद्यार्थी परिषद से लेकर के आज तक उन्होंने पार्टी में जो काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, और केवल पार्टी नहीं पार्टी के बाहर भी उनका दोस्ती हुई। मुझे मालूम है दो बार ऐसा हुआ मिनिस्ट्री में, जब वो मिनिस्टर पहले सरकार में थे तो कभी उनके कार्यालय में जाऊं तो एक दो बार मैं हंस भी दी थी कि क्रिकेट की मैच भी लगी रहती थी, बहुत शौकीन थे, और क्रिकेट की मैच भी लगी रहती थी, बीच बीच में उनके दोस्त थे हरीश सालवे जी, उनसे भी कई बार बात होती रहती थी, मैं बोलती यानी सभी से उनका दोस्ताना और शौकीन एक प्रकार से। तो ऐसे व्यक्ति अभी हमारे दो दो लोग ऐसे अभी गए हैं, सुषमा जी और अरुण जी, बहुत बड़ी भारी हानि ये पार्टी की भी है और सरकार की भी है। और ऐसे समय ये हानि हुई है कि वास्तव में अभी
ये 5 साल, पहले 5 साल तो हमारी सरकार बन गई, उसके इसमें गए, हमने कई सारी योजनाएं बनाई, उनको लागू भी करवा दिया। और अब ऐसा है कि कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा ये मौका है। और ऐसे समय दो हमारे एक गंभीर साथी हमसे बिछड़ गए, ये बहुत बड़ा नुकसान एक प्रकार से लगता है इसमें। लेकिन हाँ, उनको भी बहुत सहन करना पड़ रहा था बीमारी के कारण। इतना ही कह सकती हूँ, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। और जो भी उन्होंने दिया है आज तक पार्टी को सरकार के कामकाज में, वो तो सदा हम याद तो रखेंगे ही। व्यक्तिगत रूप से भी कई बार जो उन्होंने सलाह दी है, वो तो हमेशा याद रहेगी। एक आखिरी सवाल, उन्हें एक ट्रबल शूटर के रूप में भी देखा जाता था पार्टी में, सरकार में, साथ ही संसद के अंदर वो किस तरीके से थे जब आप संसद में? तो ऐसा मैंने कहा ना कि कुछ एक दो चार ही लोग ऐसे थे कि जब वो खड़े होते थे तो मैं स्पीकर के चेयर पे बैठे पूर्णतया आश्वस्त होकर बैठती थी कि ये संभाल लेंगे, ये जवाब दे देंगे। और जिस तरीके से जो बोलते थे, मैंने कहा ना, कभी सामने वाले पर यूं ही प्रहार करके नहीं बोलते थे, लेकिन अपनी बातों का जो जवाब वो देते थे, वो इतना परफेक्ट हुआ करता था कि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क की जगह ही नहीं छोड़ते थे। उनके शब्द जो थे, देख करके शब्द यूज करते, क्योंकि कानून के ज्ञाता तो थे ही, तो जिस तरीके से वो जवाब देते थे प्रश्नों का, या साहब इसमें बजट में भी बोलते थे, कानून मंत्री के रूप में भी मैंने उनको देखा है, तो ये सब जब वो उत्तर देते थे, किसी भी बिल पर बोलते थे तब भी, बहुत ही परफेक्शनिस्ट जैसी उनकी बात हुआ करती थी प्रश्नों के उत्तर में भी। यानी वो कई बार ऐसा मन में आता था, किसी इस पर होता था कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं, एक मेरे लिए भी सवाल खड़ा होता था, क्योंकि मनी बिल की बात ऐसी रहती है कि वो लोकसभा में पास हो गया कि राज्यसभा में आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मन में जब प्रश्न उठ के आता था, तो कभी उन्होंने केवल ऐसा नहीं कहा मैं कह रहा हूँ ना आप कर दो, ऐसा नहीं कहते थे। वो कहते थे मैं आता हूँ, मैं आपको समझाऊँगा। और वास्तव में पार्लियामेंट के पहले आते थे ऑफिस में और मुझे पूरा समझा देते थे कि क्यों ये मनी बिल है, क्या उसके ये नियम है, यानी संतुष्टि कराना। कभी उन्होंने ये नहीं ऐसा सोचा मैं हूँ ना, मैं इतना समझदार व्यक्ति आपको बोल रहा हूँ ना सुमित्रा जी, बांध लो इसको मनी बिल, ये नहीं था उनका। मुझे ये बात पसंद आती थी कि ठीक है वो, और ये वो बोलते भी थे कि आप भी वकील हो, आपकी कानून की ज्ञाता हो, तो मैं बोलती हूँ मैं आप जैसी तो नहीं हूँ, मैंने एलएलबी भी किया है, मगर आप जिस तरीके से है वो मैं नहीं हूँ, मगर हाँ मुझे समझने की इच्छा तो है कि मैं कुछ करना हो तो समझ के करूँ। तो तुरंत बोलते थे मैं आता हूँ मैं आपको समझा दूँ, यानी ये जो उनका था। अब वो ये वो थे इतने बड़े कि मुझे बोल सकते थे कि जब मैं बोल रहा हूँ आप चिंता मत करो, आप इसको मनी बिल करके लिख दो और करा दो पास और ले जा, मैं देख लूँगा, ऐसा भी नहीं, आ करके समझाते थे, फिर बोलते थे अभी भी मन में कुछ प्रश्न है पूछो, संतुष्ट हो जाओ, फिर आप इसको मनी बिल करके, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ। और वो ये जो तरीका उनका था, ये तरीका दिल में बच जाता था कि वो हमें भी, कि वो स्पीकर है ना, तो उसको समझाना मेरा काम है। तो ये जो उनका तरीका था, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। चलो।